गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बना रहे हैं समोसे और मठड़ी। आज मम्मी की छुट्टी है इसलिए चटपटा बनाने का मन कर रहा है। पहली बार समोसे बना रहे हैं, ना तो मम्मी को पता समोसे कैसे बनते हैं, ना मुझे पता है, पता नहीं कैसे बनेंगे। यूट्यूब की हेल्प ली है। अब बेल लिया ना मम्मी आप है? बेल के काट लिया के बोला है ना मठड़ी आटा नहीं के मैदे की मठड़ी, मैदे का आटा लगा के खूब उसको शेप में लेके और कट करके अब मम्मी उसको दिखाए। माँ हाथ टाइ किशो का रे, अरे कुनी तो समोसे का मसाला तैयार कर लिया है और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद उसको फिल करेंगे और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि वो कैसा बनता है। अगर अच्छा नहीं बना तो फिर बेइज्जती हो जाएगी और क्या होगा इससे ज़्यादा। है भी अच्छा बन बने तो बेइज्जती हो जाएगी और क्या होशी। थोड़ा सा मठरी में नमक कम लागो, तेज ना लाग रहे हो। यूट्यूब पे देखा था लंबा लंबा इसको बेलो समोसे के, फिर उसको मैं सिखा रही हूँ। ऐसे कट कर दो, लंबा लंबा बेले इस तरह से शेप दो। ओह माय गॉड, सॉरी मम्मी, इसको इस तरीके से शेप देनी है और उसके बाद ये दो बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो नहीं पता, पर मैं आपको बता रही हूँ। मम्मी चाखिए, मम्मी हो मसाले में तो नमक ठीक है, चाखिए समोसे में ऊपर से भी कौन पड़ेगा। सही है, मन तो मस्त लग रहा है, डाल देंगे। खास लग रहा है, बता दो तो। अभी देखो काट ली इसके अंदर आलू का, एक बार यूट्यूब पर देखो के क्या भरो, वो पहले तो पानी लगाओ, वो चारों में पानी तो ऑयल ही लगा रहे हो कि पैक हो जा और चिप जा। पहले देखो कम क्यों बना दियो ने? वो खे समोसो बैठनो चाहे आपनो तो बैठे है, वो खे खड़ो करनो चाहे तो खड़े भी कर दे आप। ये देखो ये समोसा हमारा बैठ गया। सही है तो वो भाई क्यों है। अब मैं खोलूंगी गोड़ी के खोलू मैं, अब मैं बढ़ूंगी हलवाई, रामलाल हलवाई, कालू हलवाई, कोई सा हलवाई फेमस हलवाई, काड़ू हलवाई की दुकान पे आपका स्वागत है। गोड़ू का नाम पकाड़ छा काड़ू ही ठीक है। रे तू स्वाद दियो बिठाई ना। ओ भाई क्या क्रिस्पी मस्त एकदम। ये मम्मी के, ये मेरे, ये मठड़ियाँ, यम्मी यम्मी। चिड़िया की लहरी सब आ जाओ, मोर सब आ जाओ, समोसे बन चुके हैं। रियलिटी तो ये है कि मेरा वाइट बाल उगा। बफर ना कर दे तू तेरा वाइट, बुद्धि हो गया यार तो ये कठाओ सी बुढ़ापा आ गो। अभी मेरा न्यू पार्सल आया है जयपुर से, ये डिलीवर किया है उन लोगों ने। ये कलर मेरे पास था नहीं और मेरे को ये चाहिए था इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। कॉटन है ये प्योर और बहुत अच्छा आया था, दुपट्टा आया था, पैंट आई थी और अच्छा लगा। मम्मी से पूछेंगे कैसा लगेगा, मम्मी को सूट कैसा लगा कल वो पर्पल कलर वाला। मस्त लगा सूट, बहुत सुंदर, ऐसा कलर है भी नहीं है ना। हाँ सुंदर है, यूनिक कलर है वो।
कैमरा चालू होता है वाली वाला की रोल मोड़ जाए। बहुत सुंदर लगा वो ऑनलाइन जो सूट मंगवाया है, बिल्कुल यूनिक कलर है। सीरम तो ऑर्डर करते यार, एक दो निशान रिया है मुंह पे, ये तो सही कर लियो मम्मी। हम दोनों ने शैम्पू से बाल धोए हैं। मैं तो धोया कौन, तू ही धोया। मेरे झूठ बोलने की बॉल खोल दी है। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी दुश्मन है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरी। क्या यार, सच में ऐसे लग रहा है बिल्कुल। तो नहीं किया मैंने हेयर वॉश, मैंने हेयर वॉश किए थे शायद कल, हाँ कल किए थे मैंने। ऐसे लग रहा है जैसे आज ही किए हैं, कल किए थे लग रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया। चाहे वो झूठ मारा चाहे, पूरे सुबह से तो समोसा बनाने का बावड़ी हो रही हो, कटो चीर दोषी हूँ मैं, टाइम तो बन में क्यों मैंने। व्हाट अ बिजी डे। कल तो 30 रुपया लाग गया गूगल पे पर। एस्ट्रोलॉजर फ्री था और अंबेर ने बताया कि वो फ्री ऐप है, 2-3 मिनट के लिए। तो हम लोग फटाफट चेक कर रहे थे, वो अपनी जॉब और शादी के बारे में पूछ रहा था, और मैंने शादी के बारे में पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद मेरे को ऐसे हो गया अंदर से क्यूरियोसिटी की, यार जानना है। तो 25 रुपये तो नॉर्मल उसमें ऐड होने के थे, 4 रुपये टैक्स लग गए, 29 रुपये लग गए। उसके बाद 5-5 करके उसने 2 ही बार मेरी बात कराई, एक बार जॉब की एक बार शादी की। और जो 10 रुपये अकाउंट में बचे उसमें उसने बोला कि आपका मिनिमम बैलेंस 25 होना चाहिए। मैं साड़ा नहीं, ऐप नहीं हटाओ रहे यार, पैसा ख़राब करे मेरा। सही बात है। वो मन टेंशन दे दी क्या, आपके सप्तम भाग में शनि का दोष है, पता नहीं क्या है, आपकी शादी नहीं होगी, ये वो फलाना दिखाना। ऐसे बोलते रहते हैं, शादी तो होगी। शादी होगी मेरी 30 की एज में, ऐसे बोला उसने। तो आधी बूढ़ी हो जाऊंगी जब तक, तो मैं ऐसे बोलते रहते हैं। तो क्या कुछ किसी दूसरे एक्स्ट्रोलॉजर को, दूसरे एक्स्ट्रोलॉजर को से पूछोगे तो वो कहेंगे वो कुछ अलग ही बताएंगे, तीसरे पूछोगे तो वो अलग ही बताएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, सबके अलग अलग विचार है। पर यही सेम बात मेरे को एक मंदिर वाले पंडित ने भी बोली थी। एक टाइम में या तो वीडियो चल पाएगी या तो गाना चल पाएगा। तेरे पैर दिख रहे हो अरे तो कर रही है।